हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ताजे बैंगन, और ये जो बैंगन है ये मैंने देखिए लंबे वाले लिए हुए हैं। तो गेस कर सकते हैं कि मैं इसमें आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं इसमें कोई सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, बैंगन भजा नहीं बनाने वाली हूँ। तो रोज़ के खाने में अगर आप बोर हो जाते हैं तो कभी कभार महीने दो तीन महीने में एक बार तो ये हम बना ही सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैंगनी बनाने की रेसिपी। लंबे लंबे इसको काट कर बेसन में इसको फ्राई करते हैं, तो ये है बैंगनी। तो इसको बंगाली में तो हम लोग बैंगनी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम ऐसे काट देते हैं, और नीचे वाला भी हम काट देते हैं, और इसके हम ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस करेंगे, पतले पतले। ये देखिए इस तरीके से। एकदम इस तरीके से स्लाइसेस करेंगे। तो बैंगन जो है काटने के बाद बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो इसको हम पानी में भी डिप करके रख देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे बैंगन के टुकड़ों को काट लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बैंगन को ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं बीच से भी काट लूँ, थोड़े से इसको मैं छोटे कर लूँ इस तरीके से, क्योंकि जो बेसन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ। तो ये जब तक पानी में डिप हो रहा है, आइए अपने बैंगन के जो फिलिंग है मतलब कि बेसन है उसको हम तैयार करके रख लेते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं बेसन, यहाँ करीब मैंने 3 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर ले ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी हम मिक्स करते जाएंगे। और इसका एक बैटर तैयार करेंगे, इसको हम अच्छे से फेंटते रहेंगे। इस तरीके से एक बैटर तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, इसको मैं ऐसे बारीक बारीक एकदम काट लूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मंगरेल, और मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। अब आइए इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा डालने वाली हूँ गरम तेल। तो आप देख सकते हैं तेल भी गरम हो चुका है। मैं इसमें करीब ये देखिए थोड़ा सा मैं डालने वाली हूँ इसमें तेल। गरम तेल से जो है पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आइए अब फटाफट हम अपने बैंगनी को बना लेते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं भी निकल रहा है। ऊपर से अच्छे से तेल को डाल देते हैं ताकि पलटते समय ये चिपके ना। इस तरीके से हम बाकी के जो बैंगनी है वो भी फ्राई कर लेंगे। आइए मेरे को सर्व करते हैं। तो इसको मैं सर्व करने वाली हूँ ये देखिए लाई के साथ, क्योंकि ये कोलकाता स्टाइल मुड़ी भाजा और बैंगनी मैंने बनाया है। और इसके साथ ये हरी मिर्च।
तो ये रही मेरी आज की बेगुनी की रेसिपी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।